बेटी को विदा करते समय बाप रो रहा है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मां से ज्यादा बेटी की विदाई में बाप रोता है सांप, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। जब वो जाती है बाप का हृदय रोता है। आधी रात को अपनी पत्नी से कहता है उसकी शादी हो रही है, उसको जो अच्छा लगे ना उसकी पेटी में रख देना, उसकी अटैची में जमा कर दे देना, लाड़ों से पाल पोस कर बड़ा करा है उसको। माँ कहती है मैंने उसको अपना दूध पिलाया है, कैसे भेजूंगी मैं। बेटी जाते समय अपने पापा से गले लगकर कहती है पापा मैं जा रही हूं। बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, लाड़ो तू जा रही है। उसको देखकर बाप की आंखें जल से सींचित हो जाती है। और याद रखना बहन बेटियां मायके जब तक आती हैं जब तक उसके माँ बाप हैं। मम्मी पापा रहते हैं तो बेटियां दौड़ दौड़ कर आती है पापा से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां आना छोड़ देती हैं, मम्मी हमको भी समय नहीं मिलता, पापा वो तो आप हो ना तो हम दौड़ कर आ जाते हैं। मिठास से बहुत दूर अगर बेटी को परना देते हैं तो बेटी भी आंख में आंसू भर कर रोती है, पापा मैं देखने के लिए तरस जाती हूँ। कोई त्योहार आता है भाइयों से कहा जाता है, माँ कहती अपने बेटे से जा दीदी के यहाँ चले जा, बहन के घर चले जा। क्या मम्मी तुम बहन के यहाँ भेजती रहती है, समय नहीं है मेरे पास जाने के लिए, मैं नहीं जाता। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, पड़ोसी अगर जा रहा होता है तो माँ एक झोला तैयार कर देती है, उसमें थोड़ा सत्तू रख देती है, थोड़ा सा लड्डू रख देती है, साड़ी रख देती है, जो बेटी को अच्छा लगता है चूड़ा वो रख कर, और पड़ोसी को कहती है मेरी बेटी वहाँ रहती है, वो दूर गांव में, वो अमरावती, वो जलगांव, वो वहाँ उसके पास लेकर जाना, ये दे देना। बेटी जब झोला लेकर जाती है ना, जब पड़ोसी झोला लेकर जाता है आवाज लगाता है लाड़ो तेरे पापा ने तेरी मम्मी ने ये भेजा है, लाड़ो दौड़ कर आती है, झोला नहीं देखती, आते सी पूछती है काका मेरे पापा कैसे हैं। काका मेरे पापा की बहुत याद आती है, ससुराल वाले छोड़ते नहीं है। काका वहां रहती थी ना तो पहले भोजन करती थी, यहाँ सब जिम कर चले जाते हैं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होता, क्या तूने रोटी खाई है, क्या तूने भोजन करा है। काका मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। काका मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे पिता को देखना, उनको कहना बेटी को बहुत दूर परना दिया बाबा, कभी तो मिलने आया करो, मेरी याद आती है। त्योहार आता है रक्षाबंधन का, मैं लिफाफे में राखी रखकर भेज देती हूँ, माना मैं बुजुर्ग हो गई फिर भी मेरे को मायके की याद आती है, बाबा मुझसे छूटता नहीं है। बाबा मायका छूटे तो छूटे कैसे, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े, कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए बेटी। नैनों में जल भरा आंखों में आंसू भर कर कहती बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, बाबा केवल कुछ दिन और रहूंगी, पापा मुझे देखकर दुख मत करना, मैं बोझा नहीं हूं बाबा, तुम मुझे पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो पापा, माना मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर खर्चा करे और ये दूसरी जगह चली जाएगी पापा, पर तुम्हारी पढ़ाई जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो ना, कहीं ना कहीं मैं नाम करूंगी बाबा, कि बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है। नयन जल भरा जाते समय बेटी पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है। सब लोग कहते हैं गाड़ी आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, बेटी पीछे मुड़कर देखती है पापा इस घर में मैं पल पोस कर बड़ी हुई, आज जा रही हूं, मुझे ये घर
पराया सा लगने लगा है। पापा बहुत दूर दे दिया, कभी तो आना। फिर पीछे मुड़कर देखा बेटी ने, मां की ओर देखा और बाप अंदर की ओर जाए। हिमालय राज्य अंदर गए, पार्वती दौड़ कर आकर फिर गले लग गई, बाबुल मैं जा रही। हिमालय राज ने आंख में आंसू भर कर कहा, लाडो तू कहां जा रहा, सुखी रहे। बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया। आज की कथा बहुत ही इमोशनल कथा थी, बेटी की विदाई की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।